नमस्कार सलाम सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वाचिंग एक्सपोज इंडिया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक थाना ब्रह्मपुरी के दिल्ली चुंगी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला का शव उसकी कार से बरामद हुआ। महिला की पहचान नवदीप कौर के रूप में हुई है, जो अपने पति से काफी समय से अलग रह रही थी। मृतक महिला के परिवार वालों ने नवदीप की मौत के पीछे उसके पति मानव को जिम्मेदार बताया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक गाड़ी में आज सुबह महिला एक है, उनकी गोली लगी हुई बॉडी मिली। ये महिला, इनका नाम नवदेव था, ये शिक्षिका थी और आरोप है कि इनके पति ने गोली मार कर हत्या कर दी। इनका पूर्व से अपने पति से विवाद चल रहा था और इनकी कोर्ट में मुकदमेबाजी भी आपस में है। बॉडी को रिकवर करके अभी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और सही प्राप्त करके मुकदमा कायम किया जा रहा है। इस पर कार्रवाई करा रहे हैं। रात को किसी ने 1 बजे फ़ोन कर रखे थे, मिस कॉल थी काफ़ी। उस नंबर से हमें किसी से पता चला कि 1 बजे करीब मानव ने गोली मार दी और वो फरार हो गया अपने फैमिली को लेके। अब पुलिस उनके यहाँ सुबह 8 बजे दबिश मारने गई, पूरा परिवार ताला लगा के गए। दूसरी सीट पे गोलियां लगी हैं जिसमें छर्रे के निशान भी हैं। अच्छा। इसे मारने के बाद मानव जब गोली की आवाज़ सुनी, किसी ने इसे देखा, उसके बाद ये गाड़ी में उसे वहाँ बिठाया, इसने चाबी लेके फटाफट वहाँ से फरार हो गया। Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India.